हेलो दोस्तों, मैं समो समुद्र की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी खट्टे की राबड़ी। इसके लिए अपन को चाहिए बाजरे का आटा, ये गोरी मोट और बाजरे का आटा है, नमक और छाछ और पानी। करते ये 2 चम्मच लिए मैंने बाजरे के आटे के, और इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच नमक, क्योंकि नमक थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है इसमें। और इसमें अब डालूंगी छाछ, इसको अच्छी तरह हाथ से अपन फेटेंगे। वैसे तो गर्मियों की जान होती है कि अच्छी तरह फेटना है अपन को इसको। इसके अंदर मैंने 100-150 ग्राम के करीब छाछ डाली है। इसमें गर्मियों में खाने से इसमें लू नहीं लगती। अब इसके अंदर अपन पानी डाल देंगे, इसको फुल भर देंगे जग को। 1 लीटर के करीब है मेरा जग, और इसको 5-6 घंटे के लिए धूप में रख दूंगी ढक के। अपन ने खट्टा वाला था, ये पानी अच्छी तरह गर्म हो चुका है धूप में। अब मैंने गैस पे एक टोपे चढ़ा दिया, इसमें डाल देंगे पानी ऊपर से, और नीचे का जो आटा है इसको रख लिया है। अपने पानी उबलने लग गए, इसके अंदर अब जो अपना आटा है ये डालेंगे, और थोड़ी सी 1/2 गिलास छाछ और डालेंगे इसके अंदर। अब इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह पका लेंगे। ये अच्छी तरह पक रही है राबड़ी, और इसको जैसे जुखाम लगी हुई होती है तो गरम के अंदर अपन थोड़ी सी काली मिर्च कूट के डाल के खाए पिए तो इसको बहुत आराम मिलता है। और गर्मियों में तो जब लू चलती है उस टाइम बहुत ही काम कर की चीज है राबड़ी, लू में आराम मिलता है इससे। अरे अपनी पक चुकी है राबड़ी अच्छी तरह, और गैस बंद कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ूंगी, जिसके इसके ऊपर मलाई नहीं आए, और ढक के ठंडा होने के लिए रख दूंगी इसको। देखिए मैंने राबड़ी छान के रख लिया है प्लास्टिक के डब्बे में। प्लास्टिक के डब्बे में 1 से 2 दिन चल जाती है, स्टील के डब्बे में खराब हो जाती है। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। मैंने इतनी राबड़ी ले ली है, और इसमें छाछ डालूंगी। अब गर्मियों तो बहुत अच्छी रहती है, ठंड में लू भी नहीं लगती इससे। अपनी छाछ राबड़ी बन के तैयार है।